हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे PT 365 अपडेटेड वर्जन पार्ट टू, और इसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में IT एंड कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बात करने के लिए वो है भारत 6G मिशन। तो जानते हैं कि क्या है भारत 6G मिशन और ये कब और कैसे आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो 6G मिशन है, यानी कि ये 6th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है, 5G के बाद आता है। अब देखिए, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, हमारी बैंडविड्थ भी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इसकी जो बैंडविड्थ है वो 95 GHz से लेकर के 3 THz तक भी यूज़ की जाने वाली है। इसके बीच में कोई ना कोई बैंडविड्थ इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। जबकि हम लोग जो 5G में बैंडविड्थ करते थे, वो बैंडविड्थ 6G मतलब 6 GHz और 24 GHz के आसपास थी। तो अब इससे क्या होता है, हाई बैंडविड्थ होगी, तो इसका मतलब यह है कि इससे स्पीड भी हमारी हाई आ जाएगी, और जब हाई स्पीड आ जाएगी तो इससे क्या हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी। अब लेटेंसी क्या होती है, तो देखिए लेटेंसी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है रिजल्ट देने में, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। तो यह लेटेंसी 2G में बहुत ज़्यादा थी, 3G में उससे कम होगी, 4G में उससे भी कम होगी, 5G में उससे भी कम होगी, और 6G में तो और भी कम होगी। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि ये बहुत प्रिसीशन मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि जितनी जल्दी जितना ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उतने ही इक्विपमेंट छोटे हो जाते हैं, तो उनमें एनर्जी कॉस्ट भी कम लगता है। ठीक है, मैसिव कनेक्टिविटी इससे कर सकते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इसको कई जगह इंटेलिजेंस में भी यूज कर सकते हैं आराम से, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छा है और अच्छा परफॉर्म करने वाला है ये। इसमें अगर आप स्पीड की बात करें तो देखिए, इसमें हम 1 TBPS तक स्पीड देख सकते हैं, जबकि ये स्पीड 5G में 1 GB से लेकर के 20 GB तक ही देखने को मिलती है। ठीक है, लेटेंसी का भी हमने देखा कि इसमें कम होती है, 5G में ज़्यादा होती है। अब ये यहाँ पे क्या है, भारत 6G मिशन है, जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप के द्वारा एग्जीक्यूटिव किया जाएगा, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी कि डॉट के अंदर बनाया गया है। ये जो TIG 6G है, इसमें बहुत से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, रिसर्च के एकेडमिया के लोग जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसके मेंबर हैं ऐसे आप कह सकते हो। क्योंकि देखिए, जो 6G मिशन है वो केवल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का, इसमें हमें इंडस्ट्रियल से, एकेडमिक से, सबसे जो है सजेशन लेके ही इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हमारे जो पिलर हैं, क्या विज़न है हमारा 6G के लिए, तो देखो 6G के लिए अभी हमें जो काम करने हैं वो है, सबसे पहले कि हमें फाइनेंस बहुत करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने हैं, जिससे कि हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। हमें जो है स्पेक्ट्रम का भी आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसकी फ्रिक्वेंसी 90 GHz से लेकर के 1 THz तक बात की जा रही है, लेकिन इसमें एक्चुअली लेना क्या है, मतलब इतनी सारी फ्रिक्वेंसी तो नहीं ले सकते, कोई एक बैंड लेंगे, तो वो भी अभी हमें डिसाइड करना है। इसके लिए हमें एक इकोसिस्टम बनाना है कि किस तरीके की सर्विसेज और किस तरीके के डिवाइस यूज किए जाएंगे, किस तरीके के सिस्टम यूज़ होंगे, और एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाना है कि हाँ हम इस तरीके की इक्विपमेंट ही यूज़ करेंगे। तो हमें सिक्योरिटी पर्पज़ भी तो देखना है ना, और मल्टीपर्पज़ नेटवर्क जनरेशन भी होगा इसमें, मतलब एक साथ कई नेटवर्क चलाए जा सकते हैं इसमें, मतलब कई सर्विसेज एक साथ यूज की जा सकती हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट लेकिन इसमें क्या है कि फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, अगर UPSC अगर आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछेगा तो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में ही ज़्यादातर चांसेस हैं, और अदरवाइज थोड़ा बहुत बैंडविड्थ और लेटेंसी के बारे में। तो इसको हम ई हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं, ई हेल्थ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें ऑनलाइन क्लिनिकल ट्रीटमेंट करवाना, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। हम इसको ई एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे डिजिटल स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, रियल टाइम डिस्टेंस एजुकेशन में भी इसका यूज़ हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हम इसका आराम से यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में कर सकते हैं, IoT प्लेटफॉर्म मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद इंटरटेनमेंट में भी क्या हो जाएगा कि जो आप गेम खेलते हो उसमें और अच्छा रियल एक्सपीरियंस होगा, मतलब हैकिंग सॉरी लैकिंग वगैरह नहीं होगा, और अच्छा आपको एक इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की फील्ड में हम 6G का यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ITU की। ITU मतलब इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसका एक एरिया ऑफिस बनने वाला है हमारे दिल्ली में, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखिए ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसमें करीब 193 जो है कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और बहुत सी कंपनीज भी इसका मतलब जो है पार्ट हैं।
अब ये इसका काम क्या होता है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, क्या जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके लिए, क्या टेक्निकल जो गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें जो है आपको ITU देगा। जैसे है कि हमारे इंडिया में जो +91 कोड यूज़ होता है वो भी हमें ITU के द्वारा ही दिया गया है। और ये जो इसका एरिया ऑफिस बनने वाला है, ये सर्व करेगा नेपाल, ठीक है, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान और ईरान के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन आया था कि क्यूबिट जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है किससे रिलेटेड है, तो सिंपल सा आंसर था कि क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो अब देखिए नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है, इस मिशन का मेन मोटो क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास वाइब्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम बने क्वांटम टेक्नोलॉजी में। अब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी लाना क्यों चाहते हैं और क्वांटम टेक्नोलॉजी कैसे काम करने वाली है, तो देखिए दोस्तों जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, तो अभी जो हमारे पास हम जो कंप्यूटर या मोबाइल या कुछ भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो सारे हमारे बाइनरी बिट पे काम करते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम पे काम करते हैं। तो बाइनरी बिट जो है हमारा 0 और 1 पे काम करता है, जबकि हम इसमें अब क्या करने वाले हैं, हम इसको क्यूबिट यूज़ करने वाले हैं, यानी कि क्वांटम बिट यूज़ करने वाले हैं जो भी 0 और 1 में काम करते हैं। लेकिन अब जब ये भी 0 1 में काम कर रहा है, ये भी 0 1 में काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इतना जो है पैसे मनी वेस्ट कर रहे हैं क्यूबिट लाने में या क्वांटम कम्युनिकेशन लाने में। देखिए हम इतना डिफरेंस है कि अगर इसी को इसको कोई हैकर जब हैक करता है तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक जो सीक्वेंस है ना, ये कई तरीके का सीक्वेंस जनरेट कर सकता है, मतलब सेम चीज़ के लिए अलग अलग सीक्वेंस जनरेट कर सकता है। और अगर इसमें कोई भी हैकर इसमें इंटरप्ट करता है तो वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और वो जब चेंज सीक्वेंस हमारे पास आएगा तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत सिक्योर है और इतनी आसानी से कोई इसको हैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वेरिएशन है इसमें। जबकि क्या है, अगर आपको मान लो हेलो भी बोला आपने, है ना, तो हेलो इसमें मान लीजिए 0 और 1 से चला गया, लेकिन इसमें मल्टीपल स्टेज में जा सकता है, ये क्यूबिट के ऊपर डिपेंड करता है, रैंडम है ना कि वो किस तरीके से जनरेट कर रहा है। तो जो भी यहाँ से जनरेट होकर जाएगा वही वहाँ पहुँचेगा, अगर बीच में कोई इंटरवीन करता है तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ इसकी स्टेज चेंज हो जाएंगी। और यही इसका एक अच्छा फ़ायदा है कि सिक्योर बहुत है। अब इसके टारगेट क्या है हमारे इस मिशन के, तो हम चाहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर बने मीडियम स्केल के, और साथ ही साथ क्या है कि सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हो सके, ये हमारे 2 मेन टारगेट हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है UPSC के लिए वो है एप्लीकेशन, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन तो पहले पूछा जा चुका है, तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे एप्लीकेशन पूछे जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज किया जाता है मैग्नेटोमीटर में। मैग्नेटोमीटर मतलब कि एक ऐसा इक्विपमेंट जो क्या करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पे भी मेजर कर सकता है, स्पेस में भी देख सकता है। इसका यूज़ जो है एटॉमिक क्लॉक में भी किया जाता है। अब एटॉमिक क्लॉक किस लिए यूज़ की जाती है, तो प्रिसीजन टाइमिंग के लिए, कि टाइमिंग बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो और नेविगेशन भी बहुत अच्छा हो, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका यूज हम सुपर कंडक्टर में भी कर सकते हैं, सेमी कंडक्टर में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन सब में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और जो फोटोन है उसका हमें क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी में यूज़ करना है, लेकिन इसमें हमें अलग अलग तरीके के फोटोन सोर्स का यूज़ करना है, एक तो सिंगल फोटोन सोर्स और एक इंटेंगल। तो सिंगल फोटोन सोर्स मतलब कि क्यूबिट सिंपली हो गया, और ये क्या है इंटेंगल्ड मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्यूबिट है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए पहले पार्ट को आप इस साइड रख देते हैं, दूसरे पार्ट को इस साइड रख देते हैं, तो अब इन दोनों में क्या होता है कि इतनी सिमिलरिटी रहती है, इस तरीके से इंटेंगल्ड होते हैं कि अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो सेम चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जुड़वा लोग नहीं होते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं, अब क्या सच है पता नहीं, लेकिन वैसा ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इंटेंगल पार्टिकल कहते हैं, और यही इसकी एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये रिसर्च वगैरह में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप कितना भी डिस्टेंस रख दो, अगर यूनिवर्स के एक कोने में इसको रखोगे और दूसरे कोने में इसको रखोगे, तब भी सेम टाइप का फिनोनिमा देखने को मिलता है। अब इस चीज़ का क्या क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, किसका क्या क्या फील्ड में हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च करने वाले हैं, कम्युनिकेशन में रिसर्च करने वाले हैं, मेट्रोलॉजी और सेंसिंग में, और मटेरियल और डिवाइस में इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए सेंटर ने 6,000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। अब क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला है कि ट्रेडिशनल की बेस्ड जो
जो टेक्नोलॉजी उसमें हम क्लासिकल बिट यूज़ करते हैं जिनको बाइनरी बिट भी बोलते हैं, ठीक है। और जबकि क्वांटम जो कम्युनिकेशन होगी उसमें हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे एज अ क्यूबिट, और वो भी 0-1 में जाएगा, लेकिन उसकी सुपर पोजिशन स्टेट होती है। अगर हैकर कोई उसको मतलब हैक करेगा तो ये स्टेट कॉलेप्स हो जाएगी, और वो जो उसका अटेम्प्ट है हैक करने का वो भी इवेंचुअली रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है क्वांटम कम्युनिकेशन की। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। तो सबसे पहली न्यूज़ है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। मतलब अभी हमें देखिए, लास्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन आया था 2022 में सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ओवर इंटरनेट हम लोग क्या करते हैं, आपको ओवर द इंटरनेट आप देखेंगे तो आपको जैसे जीमेल है ना, या फिर याहू है, या किसी तरीके की भी सॉफ्टवेयर की जो सर्विस मिल जाती है उसको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। तो अभी ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक जो थर्ड पार्टी रहेगी वो क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराएगा, जिसमें ब्लॉकचेन सर्विस आपके पास रह सकती है अगर आप चाहें तो। उस ब्लॉकचेन सर्विसेज में आप जो चाहें वो उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो अपना खुद का ऐप बना सकते हैं, है ना, और जिस तरीके की भी आप उसमें कम्युनिकेशन करना चाहें, जिस तरीके का अपना जैसे कंपनी का कुछ डाटा जो है पूरे एम्प्लॉइज़ में शेयर करना चाहते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपकी बन जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या फ़ायदा है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। दूसरी बात क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बनाया तो आपको उसको अलग से मेंटेन नहीं करना है। ये जो एज अ सर्विस दे रहे हैं ना ब्लॉकचेन वाले, ये इसको मेंटेन करेंगे ईजिली, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि आपके पास जो है एक वाइडर अडॉप्टेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है वेब थ्री को रियलाइज कर रहा है। मतलब वेब थ्री क्या होता है, देखिए अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारा वेब वन और वेब टू। इसमें क्या होता है कि जितना भी अपना जो कम्युनिकेशन होता है या हम लोग जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी यानी किसी कंपनी पर डिपेंड होना पड़ता है, वो जैसा बोलते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। बट वेब थ्री में क्या बात की जा रही है कि नहीं, हम इन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कम्युनिकेशन हम करेंगे, जिस तरीके से हम इंटरफेस चाहते हैं उस तरीके का इंटरफेस हमारे पास होगा, हमें किसी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसको वेब थ्री बोल रहे हैं, और वेब थ्री के ऊपर ही ये ब्लॉकचेन की बात की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। अब बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है जी, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, कहीं पे आपका जो है डाटा स्टोरेज करने के लिए एक अलग से कंप्यूटिंग बनाया है। जैसे अभी आज के टाइम में क्या होता है, जैसे हम सर्वर वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस यूज होता है। क्लाउड में क्या है कि वो प्लेस अननोन रहता है, और ये इंटरनेट के ऊपर आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इनका स्टोरेज कहाँ हो रहा है हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं उनको जो है क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं। अभी जो तो ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि अभी सेबी ने जो है जितने भी ये स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं उनको बोल दिया है कि आप अगर क्लाउड सर्विस अडॉप्ट करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज में आपको जैसे सर्वर का कुछ काम है तो आप ओवर द इंटरनेट बना सकते हो। स्टोरेज अगर आप करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा, तो उसमें आप जितना चाहें डाटा स्टोर कर सकते हो। जबकि अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशनल उस डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको एक हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, और भी मतलब हो सकते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदने पड़े स्टोरेज के लिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या है सिंपली माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के स्टोर कर दीजिए तो आपका स्टोर हो जाएगा। इसके बाद डाटाबेस जैसे बनाना है, नेटवर्किंग करनी है, सॉफ्टवेयर बनाना है कोई, तो उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं ओवर द इंटरनेट। अब ये तीन तरीके का होता है, पब्लिक क्लाउड जो पब्लिकली यूज किया जा सकता है, प्राइवेट क्लाउड जो किसी पर्टिकुलर सिंगल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाए, इसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है कि फास्टर इनोवेशन होगा, और थोड़ा आपको कॉस्ट कम पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रिसोर्स है, आप कहीं पे भी जा कर के इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपना सिस्टम ही ले जाना होगा, ठीक है। इसके अब कई तरीके के मॉडल होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की, ये आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही सर्विस की तरह प्रोवाइड करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सर्विस में देंगे, ये प्लेटफॉर्म आपको सर्विस में देंगे, और सैस मतलब सॉफ्टवेयर आपको सर्विस में देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रैनसमवेयर रिपोर्ट। ये क्या है, अभी जो हमारा सर्टिन है उसने रिपोर्ट पब्लिश की है कि 2022 में 53% जो है इंसिडेंस बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2021 ऑफ रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है
जो आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, जबकि वो अथोराइज्ड भी नहीं है, मतलब अनअथोराइज्ड पर्सन कोई आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेगा। इसमें बात की गई है लॉकबिट की। लॉकबिट जो है सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट रैंसमवेयर है जो कि इंडिया में यूज किया जाता है सिस्टम को हैक करने के लिए। उसके बाद मैकॉप है। मैकॉप जो है वो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है, जबकि DJBU और स्टॉप रैंसमवेयर जो है वो इंडिविजुअल को टारगेट करता है। और कुछ नए वेरिएंट जैसे वाइज सोसाइटी एंड ब्लू स्काई भी देखे गए हैं। अब ये सबसे ज़्यादा जिन्होंने इन्होंने जिसको टारगेट किया है वो IT इंडस्ट्रीज़, उसके बाद अगर कोई है तो फाइनेंस, और उसके बाद अगर कोई है तो मैन्युफैक्चरिंग। ये मतलब रैंसमवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, ये आप पे रैंसमवेयर का इस तरीके से अननेसेसरली आपके सिस्टम में एक्सेस करके आपसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं। या तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो चोरी कर ही रहे हैं, साथ में ये क्या क्या करते हैं कि आपकी किसी फाइल को इनक्रिप्टेड कर देंगे, और क्या बोलेंगे कि जब तक आप कुछ पैसे नहीं दोगे या कुछ पे नहीं करोगे क्रिप्टो में, हम ये आपकी फाइल को जो है डिक्रिप्टेड नहीं करेंगे। इस तरीके के रैंसमवेयर को क्रिप्टो रैंसमवेयर या क्रिप्टो वायरस बोलते हैं। ये चीज़ भी सेम ही है, इसमें ये आपसे पैसे मांगेंगे। और फिर होता है लॉकिंग, मतलब ये आपके स्क्रीन को लॉक कर देंगे जब तक कि आप रैंसमवेयर को पेड ना करें, तो इसको हम लॉकर रैंसमवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लॉकबिट रैंसमवेयर की हमने बात ही की कि ये क्या करने वाला है। ज़्यादातर ये मैक डिवाइस और एप्पल कंप्यूटर को टारगेट करने वाला है। फाइल को इनक्रिप्टेड कर देता है, जब तक आप पैसे नहीं दोगे फाइल को डिक्रिप्टेड नहीं करेगा। तो ये इसका पूरा मॉडल है। अभी बात करते हैं फर्स्ट एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। अभी क्या हुआ है, USA ने रिसेंटली 10 अदर नेशन के साथ मिल करके एक ये माना है कि हाँ कॉमर्शियली मिसयूज़ हो रहा है स्पाईवेयर का, जो कि गलत है और इसको हमें रोकना चाहिए। इसके बारे में बात की गई, क्योंकि स्पाईवेयर सिंपली क्या करते हैं, आपके उसमें किसी भी डिवाइस में घुस करके आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, और फिर उसको मतलब जैसे उन्हें यूज़ करना होगा यूज़ कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है जीरो क्लिक स्पाईवेयर, जो कि इसराइल की एक कंपनी ने बनाया है, और इसमें जीरो इंटरेक्शन नीडेड होता है। यानी कि जैसे कुछ स्पाईवेयर ऐसे होते हैं कि आपको लिंक आती है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तभी जा करके आपके साथ कुछ फ्रॉड होगा, या फिर वो आपके जो है PC है या लैपटॉप है या उसमें इंटर करेंगे। जबकि ये ऐसा है कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इजीली इंटर कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है, और यहाँ केस हो जाएगा, आप कांड कर जाएगा आपके साथ। अब बात कर लेते हैं रेडियो वेव की। तो ये क्यों न्यूज़ में है, देखिए अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि जो रेडियो स्पेक्ट्रम है ना, इसका बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रहा है। अब ओवर क्राउडिंग से क्या हो रहा है कि रेडियो स्पेक्ट्रम में पॉल्यूशन फैल रहा है। अब ये पॉल्यूशन से साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम है, तो साइंटिस्ट को प्रॉब्लम ये है कि देखिए साइंटिस्ट जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से जो सिग्नल आते हैं वो रेडियो सिग्नल ही होते हैं, और वो बहुत वीक होते हैं, और एक्चुअली पॉल्यूशन की वजह से ये पॉल्यूशन के सिग्नल भी उससे इंटरफेयर कर रहे हैं। जब वो इंटरफेयर करेंगे तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आ रहा है या फिर वो पॉल्यूशन का पार्ट है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे इसरो की। तो इस मॉडल को समझ लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसरो जो है, सबसे पहले तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो इसके टॉप पे होते हैं, उनके अंडर आता है स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में सारी ऑटोनॉमस बॉडी आती हैं, इसरो आता है, इन स्पेस आता है, और कुछ सेंटर PSUs हैं वो भी आती हैं, जैसे कि अंतरिक्ष और NSIL। ठीक है, अब ये जो है इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, जैसा कि हमने देखा एक नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका मेनली काम है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी को लाना, जितना कि नेशन की नीड है, नेशन की हर ज़रूरत को, स्पेस से रिलेटेड हर ज़रूरत को पूरा करना इसरो का काम है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, अब ये इस इंडिया जो स्पेस पॉलिसी है ये क्यों आई है, क्योंकि देखिए अभी जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है स्पेस में, तो स्पेस में, तो इसीलिए उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए इसको लाया गया है। अब किसका क्या रोल है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो गवर्नमेंट है उसका काम है कि आपको इनक्रेज करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर में, और साथ ही साथ आपको ऐसे फ्रेमवर्क बनाने हैं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके बिटवीन द NGE यानी कि नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी में, जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। इसरो का क्या काम है, इसरो का काम तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई टेक्नोलॉजी लाना है स्पेस में, और जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास आई हैं
उनको शेयर करना, प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोसेस को शेयर करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना विद नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में। NSIL का क्या काम है? तो देखिए, NSIL इसरो की जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म है उसको कमर्शलाइज करता है, और इसका यही काम है कि आपको कमर्शलाइज करना है हर चीज़ को, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करें। अगर वो जैसे मान ले लॉन्च व्हीकल की बात हो रही है तो प्राइवेट प्लेयर उसमें आए, और अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसको पब्लिक यूज कर सकती है तो उसको भी कमर्शलाइज करना है। इन स्पेस का काम है कि देखिए, जितनी भी स्पेस की एक्टिविटी हैं आपको उनको प्रमोट करना है, और आपको प्राइवेट जो प्लेयर हैं उनको लाना है स्पेस सेक्टर में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्पेस सेक्टर में आ सकें। इसके बाद जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंटिटीज़ हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि जितनी भी चीज़ें इसरो के लिए चाहिए कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, वो सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना, ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ का काम है। इसके बाद जो है इंडिया स्पेस एसोसिएशन, ये क्या करता है? ये एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्रियल बॉडी है। ये क्या करता है? कोलैबोरेट कराता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, सेक्टर को, कि वो स्पेस इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम कर सकें। फिर अंतरिक्ष का क्या काम है? ये मार्केटिंग काम है इसरो की। और एक और बचता है जो सीड, यानी कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, इसका क्या काम है? तो देखिए, ये क्या है, MSME और जो मतलब स्टार्टअप वगैरह हैं उनको इसरो के इंटरेस्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि हाँ, आप ऐसा करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा MSME और स्टार्टअप जो है स्पेस फील्ड में आ सकें। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेस डेब्रिस की, ये क्यों न्यूज़ में है। तो देखिए, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इसरो ने जो है सक्सेसफुली एक ये हमारा MT-1 सैटेलाइट है इसको डी ऑर्बिट कर दिया, यानी कि ये मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ के ऑर्बिट में ये घूम रहा था, तो इसको यहाँ से निकाल करके अर्थ पे गिरा दिया है सक्सेसफुली। मतलब कि हम चाहते हैं कि स्पेस डेब्रिस कम हो जाए, इसीलिए हमारा जो इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा उसको हम वापस ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि इसको सक्सेसफुली डी ऑर्बिट कर दिया है इसरो ने। और ये जो MT-1 है ये किस लिए यूज़ किया जा रहा था? तो ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडी के लिए यूज़ किया जा रहा था, जो कि इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने मिलकर के बनाया था। देखिए, स्पेस अभी ये जो इसरो है हमारा, ये कुछ और भी काम करता है, जैसे स्पेडएक्स है, तो इसमें ये क्या करता है कि इन ऑर्बिट सर्विसेज की बात कर रहा है, कि इन ऑर्बिट सर्विसिंग हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, कि जैसे अगर मान लीजिए किसी सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसको उधर ही रिपेयर कराएंगे। साथ में ये नेत्रा की बात करता है, यानी कि इसमें क्या है कि हम ये पता करेंगे कि इन्फॉर्मेशन की जो डेब्रिस का स्टेटस है वो क्या है। और ये जो है IS-4OM, ये है कि ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग स्पेस ऑब्जेक्ट, कि स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, स्पेस डेब्रिस होते क्या हैं? तो चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल, दो तरीके के हो सकते हैं। मतलब जैसे जो मेट्रॉइड वगैरह हमारे अर्थ पे आते हैं तो उधर जल जाते हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ डेब्रिस होता है, और जो डेब्रिस जो मैन मेड है वो भी डेब्रिस होता है। ज़्यादातर जो डेब्रिस है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में पाया जाता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी पाया जाता है, बट उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। अब है UNIADC, ये क्या है, एक कमेटी है जो बात कर रही है कि स्पेस डेब्रिस को हमें मिटिगेट करना है, उसके लिए गाइडलाइन बना रही है, और ये बोल रही है कि जितना भी हमें डी ऑर्बिट करना है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट से करना है एट प्रेजेंटली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे क्या बता रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन। देखिए, इस मिशन में ज़्यादा कुछ तो जानने लायक नहीं है, बस इतना है कि देखिए इसरो क्या करने वाला है अभी, कि इसरो ने एक मिशन, इसरो का एक मिशन है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में टोटल 5 टेस्ट होने वाले हैं, और ये सेकंड टेस्ट हुआ है। तो इसमें वो क्या करने वाला है कि जो भी हमारे स्पेस में जैसे कुछ सैटेलाइट हैं, अगर उसमें कुछ रिपेयर की ज़रूरत है या उन्हें कुछ पेलोड देना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गया, या हमें स्पेस में कुछ अर्जेंटली कुछ काम है, तो उस चीज़ के लिए ये लोग इस तरीके के व्हीकल बनाने वाले हैं कि जैसे यहाँ से अगर हमें पेलोड इसको देना है तो सिंपली ये स्पेस में जाएगा, पेलोड दे देगा और वापस आ जाएगा। उस तरीके के व्हीकल को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें न्यूज़ में है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस हमें बस ऐसे बनाने हैं जो लो कॉस्ट के हों, रिलायबल हों, ऑन डिमांड जा सकें स्पेस में। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए पड़ता है, अलॉय चाहिए पड़ता है, तो वो ऐसे डिज़ाइन करना है जिससे ये हमारे सारे ऑपरेशन पूरे हो सकें। अब बात करते हैं डार्क मैटर मैप, ये क्या है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं डार्क मैटर क्या होते हैं। तो देखिए, आपको बताएं, जो यूनिवर्स का कंपोजिशन है उसमें जो 5% होते हैं वो हमारे
होते हैं विजिबल मैटर, यानी कि जो हम जनरली देखते हैं, जैसे जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है, जिससे स्टार बने हुए हैं, ठीक है, जिससे प्लैनेट बने हुए हैं, जिससे मून बने हुए हैं, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्मल मैटर। अब नॉर्मल मैटर क्या होते हैं, है ना, तो नॉर्मल मैटर हर चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि वो आपके जैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एमिट कर देते हैं लाइट को, जबकि जो हमारे डार्क मैटर होते हैं वो दिखते नहीं हैं, ना तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं, और ना ही एमिट करते हैं, तो इसीलिए उनको स्पॉट कर पाना कि वो कहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए 5% तक तो ये होते हैं हमारे जो ये मैटर है नॉर्मली जो हम देख सकते हैं, 25% तक हमारे डार्क मैटर होते हैं, और जो 70% बच जाता है ना वो होती है डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी का क्या काम होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, और डार्क एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम करती है। मतलब अगर अर्थ पे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपकी ग्रेविटी ऐसे लगेगी, तो ये चीज़ आपकी अपोजिट लगेगी, और इसी की वजह से है डार्क एनर्जी का ही रीज़न बताया जाता है, और डार्क मैटर का रीज़न बताया जाता है जिसकी वजह से यूनिवर्स जो है कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आइंस्टीन जी थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि एक तो जो है कॉस्मोलॉजी का ये स्टैंडर्ड मॉडल है, कि कॉस्मोलॉजी उन्होंने इसी को बोला है कि जो इनिशियल में यूनिवर्स जब बना था तो सबसे पहले क्या है, यूनिवर्स बहुत डेंस था, तो लाइट जो है वो ट्रेवल भी नहीं कर पा रही थी सही से, तो धीरे धीरे वो फैलता गया, फिर लाइट ट्रेवल करने लगी, तो वो जो है कंटिन्यूसली कॉस्मोलॉजी जो रे हैं वो फैलती ही जा रही है, मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इसके बारे में जो बात की जा रही है, तो अभी जो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि हाँ ये जो बोला था आइंस्टीन ने वो सही नहीं है और वो गलत है, और हम उसको सही बताएंगे कि क्या है, तो उस पर जो है बहस चल रही थी, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अटकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप, ये भी एक जो है टेलीस्कोप है अटकामा में, जो कि ठीक है, तो ये जो है अटकामा की टेलीस्कोप से अभी कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिले हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो इनविजिबल वर्ल्ड है वो वही डार्क मैटर के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे फिर जो है ये कॉस्मिक कॉस्मिक की बात की गई है। तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे आइंस्टीन ने दो बातें बोली थी कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, ठीक है, स्पेस में, तो अगर वहाँ पे मास है और एनर्जी है, तो उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर स्पेस टाइम में कहीं ना कहीं कर्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सन है और यहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो सन की वजह से ये ग्रेविटेशनल वजह की से बेंड हो जाएगी, है ना, तो यही चीज़ जो है इन्होंने बोली थी, और ऐसा इसी वजह से, ठीक है, एक तो ये चीज़ बोली थी इन्होंने, दूसरी क्या बोली थी कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है और यूनिवर्स लंपी है। लेकिन अब देखिए इनको कंफर्म करने के लिए क्या बात की गई है, जो है क्राइसिस इन कॉस्मिक में इन्होंने बताया है कि अभी डिफरेंट टाइप की, मतलब स्टार्टिंग में क्या प्रपोज किया जा रहा था कि जो लंपीनेस या के बारे में आइंस्टीन ने बोला था वो बिल्कुल उतना डेंस यूनिवर्स नहीं है जितना कि आइंस्टीन ने बोला था, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए डिफरेंट जो है बैकग्राउंड लाइट यूज़ की गई। लेकिन अभी रिसेंटली जो अटकामा कॉस्मेटिक वाली बात कॉस्मो वाली बात की गई है ना, तो टेलीस्कोप की, उससे ये पता चला है कि जो आइंस्टीन ने बोला था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइंस्टीन ने ये भी बोला था कॉस्मोलॉजी की वजह से जो है यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है, और डार्क एनर्जी भी उसमें एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डार्क एनर्जी की वजह से ही ये चीज़ हो पाती है, क्योंकि डार्क एनर्जी क्या करती है, ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है, तो उसी की वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंस हो रहा है, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो इन अभी जो है जिस जो बहस चल रहा था इस पर वो सॉर्ट आउट हुआ है, ठीक है, तो ये इसके बारे में यही है। इसमें आपको मेजरली यही पता होना चाहिए कि डार्क मैटर क्या है, विजिबल मैटर क्या है, और डार्क एनर्जी क्या है, यही तीन चीज़ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर, जिसको जूस मिशन बोला जा रहा है। तो देखिए जूस मिशन सिंपली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ये जुपिटर के मून हैं, जैसे जिसमें गैनेमाइड, कैलिस्ट्रो और यूरोपा, इसमें क्या है बहुत सारा आइस है, तो इसको इसीलिए लार्ज ओशियन बियरिंग मून बोलते हैं। तो इनकी डिटेल हमें देखना है कि इनमें क्या क्या हो रहा है, जैसे हम देखेंगे कि मून का वेदर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ग्रेविटेशनल पुल कैसा है, और इसमें जो अलग अलग तरीके के पेलोड यूज किए जा रहे हैं वो हैं जैसे गेला, गैनेमाइड, लेजर एंड अल्टीमीटर, ये बहुत सी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे माजेस और यूबीएस यानी कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ।
इसके बाद क्या है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चैलेंजेस ये हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, तो ये देखिए ये पूरा एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। इस बेल्ट को पास करना है पहले इस मिशन को, और उसके बाद ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड होते हैं, इनको ट्रोजन एस्ट्रॉइड बोलते हैं, तो इनको पार करके इसके ऑर्बिट में पहुंचना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जो है चैलेंज है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं लूसी। लूसी एक मिशन था जो कि नासा का मिशन था, उसने पहली बार इन ट्रोजन की बात की थी कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड है जो एक ग्रह जुपिटर के आगे चलता है और एक जुपिटर के पीछे चलता है। तो ये चीज़ थोड़ी जाननी चाहिए कि क्या होते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड और ये कैसे कहाँ पे सिचुएटेड हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी न्यूज़ की, जैसे कि मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल मिशन, यानी कि ये जो मिशन है इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो डाटा को मेजर करने वाले हैं, किस डाटा को, कि जो एरोसोल यानी कि जो एयर पार्टिकल होते हैं वो हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा और इटेलियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, जो एयरबोर्न पार्टिकल होते हैं उनको सनलाइट उनमें से रिफ्लेक्ट कराते हैं, और फिर देखते हैं कि वो कितने अबंडेंस हैं, उनकी साइज़ कितनी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसी है, और उससे हम पता लगाते हैं कि वो किस तरीके की हेल्थ इफेक्ट जो है हेल्थ इफेक्ट कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एरिया टारगेट किए गए हैं उसमें हमारा न्यू दिल्ली भी है, न्यू दिल्ली है, बीजिंग है, स्पेन है, बॉस्टन है, अटलांटा है और लॉस एंजलिस है, ये दोनों यूएसए के हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं टेम्पो, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटर ऑफ पॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है कि ये भी नासा का एक मिशन है जो स्पेस से एयर पोल्यूशन को मेजर करने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मिशन है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमारा रहेगा, जो हमारे अर्थ से करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर रहेगा, और इससे नाइट्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड और ओजोन को हम मेजर करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली। इसके बाद बात करते हैं एक्सो बायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वायर, ये क्या है, तो ये भी नासा का एक मिशन है जिसमें इन्होंने एक रोबोट बनाया है जो स्नेक की तरह दिखता है। ये क्या करने वाला है, स्पेस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करने वाला है। अब कैसे बात बूस्ट करने वाला है, क्योंकि ये अलग अलग जो है इंटरनल और इंटरनल टेरेन को जो है टेरेन के स्ट्रक्चर को आराम से एक्सप्लोर करने में कैपेबल है, ठीक है। और इसको हम भेजने वाले हैं कहाँ पे, सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है जिसका नाम है एनकेलेडस, इस पे हम इसको भेजने वाले हैं, और उससे हम ये पता करने वाले हैं कि इसका क्या स्टेटस है, कैसा टेरेन है इसका, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है और किस तरीके का कंपोजिशन है सॉइल का, तो ये सब चीज़ें हम इसमें पता करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम टू प्लेटफॉर्म। इसका ये क्यों न्यूज़ में है, देखिए इसका सिंपल एक ही वर्क है कि देखिए ज़्यादातर जो PSLV होता है उसमें फोर स्टेजेस होती हैं, और इसकी फोर स्टेज में इन लोगों ने क्या किया है इसरो ने, कि फोर स्टेज में इसके जो है सोलर प्लेट लगाया हुआ है, जिससे कि हम इसको क्या है कि इन ऑर्बिट में कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं फाइनल स्टेज में, इसलिए ये किया गया है। इस पे क्या है, सोलर पैनल लगाया गया और लिथियम आयरन बैटरी लगाई गई है, जिससे ये चार्ज होता रहेगा, इसको एक एनर्जी मिलती रहेगी जिससे हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। अब कुछ देख लेते हैं स्पेस के ऑब्जेक्ट, जैसे सेल्यूपिया ए करके है, तो ये क्या है, अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने देखा है नासा की ने। इसमें क्या है, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन का एक रेमिनेंट है जो करीब हमारे अर्थ से 11,000 लाइट ईयर दूर है, और इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रेडियो एमिशन निकल रहा है, और इसीलिए ये न्यूज़ में। और ये केवल एक नहीं है, सुपरनोवा का जो रेमिनेंट है वो एक नहीं है, एक कॉन्स्टलेशन में है, यानी कि ग्रुप में है। इसके बाद ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, GN Z11 गैलेक्सी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटी गैलेक्सी है लेकिन बहुत डेंस मैटर इसमें है, और ये हमारे अर्थ से करीब 32 बिलियन लाइट ईयर दूर है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि जनरली क्या होता है कि जब किसी गैलेक्सी में स्टार बनते हैं तो उस समय जो है स्टार बनने के समय पे बहुत ज़्यादा डस्ट जो है निकलती है, लेकिन ये गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें स्टार बनने के टाइम पूरी डस्ट जो है क्लीन हो रही है, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ में है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं कि टर्मिनेटर जॉन क्या होते हैं, तो देखिए टर्मिनेटर जॉन के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई भी
ऐसा प्लेनेट जो सबसे एंड में है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत टेरेस्ट्रियल लाइफ को देखा जा सकता है। टर्मिनेटल जोन क्या होते हैं कि रिंग मतलब लास्ट में एकदम जैसे ये प्लैनेट हो गया तो ये बहुत सारे प्लैनेट का एक ग्रुप टाइप का होता है, रिंग टाइप का होता है, और इसके एक साइड में ये घूमते नहीं है ऐसे जैसे ये प्लैनेट हैं। तो यहाँ पे क्या है, सन की लाइट केवल इसी इसी एरिया में पड़ेगी, बैक साइड में इनके सन की लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए इनको हम टर्मिनेटर जोन बोलते हैं, जिनके ये प्लैनेट का एक रिंग होता है जिसके वन साइड पे सन की लाइट पड़ती है, अदर साइड हमेशा डार्क रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वासार, ये क्या है, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, इसमें क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है। तो देखो ये क्या है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि मिलियन टू बिलियन टाइम मास है इसका सन के कंपैरिजन में, और ये गैलेक्सी के सेंटर में देखा गया है, और जितने भी इसमें मैटर हैं उन सबको ये फीड कर लेता है, आसपास की जितनी भी चीज़ें उन सबको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ब्लैक होल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोरोनल होल की, कोरोनल होल क्या होते हैं। तो देखिए अर्थ में क्या है, हर 11 साल में सन स्पॉट देखे जाते हैं। सन स्पॉट एक प्रोसीजर है जो जिसकी साइकिल होती है 11 साल 11 ईयर की। तो अब इसमें क्या होने वाला है कि इसमें जो है होल होते हैं, और ये होल इतने ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, जैसे ये होल आप देख रहे हो, तो ये होल की वजह से क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और फिर इसमें एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो मटेरियल निकलता है, सोलर मटेरियल निकलता है, कोरोनल मास निकलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मास है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पास आकर के उससे इंट्रैक्ट करता है, और ऐसा करने से बहुत ज़्यादा एरोरा देखने को मिलता है, स्पेशली हाई लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ। और साथ ही साथ में क्या होता है, देखिए इससे अभी इससे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था कि सोलर फ्लेयर जो अगर हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए अर्थ पे इससे क्या प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले तो अर्थ पे जो है पावर ग्रिड के लिए प्रॉब्लम होगा, है ना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देखिए सोलर फ्लेयर से अर्थ पे पावर ग्रिड का प्रॉब्लम हो सकता है, जो सैटेलाइट है हमारी, ठीक है, सैटेलाइट जो है उनमें प्रॉब्लम हो सकता है, GPS अफेक्टेड हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। ठीक है, और ये इतने जो होल हैं ये क्यों दिखते हैं, क्योंकि देखिए ये कूलर हैं, ये डेंस नहीं है ज़्यादा, है ना, इसीलिए, और प्लाज्मा के अराउंड बनते हैं, तो इसीलिए ये आराम से यहाँ से दिखते हैं। अब बात करते हैं स्पेस एक्स स्टारशिप, ये क्या है, ये देखिए स्पेस एक्स स्टारशिप क्या है, एक हिसाब से ये स्पेस क्राफ्ट है जो कि साथ में हैवी रॉकेट भी है इससे। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, और ये फुली रीयूजेबल है, ये एक हिसाब से मोस्ट पावरफुल व्हीकल है जिससे हम करीब 150 मेट्रिक टन तक जो है पेलोड भेज सकते हैं, और अगर इसको एक्सपेंड कर दिया तो यही पेलोड 250 मेट्रिक टन हो जाएगा, इसीलिए ये न्यूज़ में है, हैवी है बहुत ज़्यादा रॉकेट, है ना। और इसके साथ जो है पैलेट बीम प्रपल्सन, ये क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो है दो रॉकेट एक मतलब स्पेस क्राफ्ट में दो चीज़ें जाती हैं, वन जो स्पेस क्राफ्ट है वो आगे चला जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मार्स पे भेजना है, जुपिटर पे भेजना है, और एक जो है अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा। अब अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा तो वो क्या करेगा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो अर्थ के ऑर्बिट वाला, जैसे मान लीजिए ये अर्थ के ऑर्बिट में है एक, तो ये जो है यहाँ से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भेजेगा दूसरे वाले सैटेलाइट को, दूसरे वाले स्पेस क्राफ्ट को, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये इसको फिर हीट किया जाएगा लेज़र की हेल्प से, और उससे क्या होगा इसकी इसमें एक एसिलरेशन मिलेगा, है ना, तो वो और आगे तक जाएगा, जैसे अगर हमें मिशन आगे भेजना है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि जुपिटर सैटर्न तक तो फिर भी पहुँच जाता है, लेकिन उससे भी आगे पहुँचाना है तो हमें इस तरीके के इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक स्टेज। तो देखिए ये कुछ नहीं होता है, जो हम GSLV या फिर जो हमारा ये LVM3 है ना, इसकी जो लास्ट स्टेज होती है ना, इसमें हम जो है क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्यूल होता है और कम टेम्परेचर पे आराम से काम करता है, बहुत इफ़िशियंट होता है, अच्छा थ्रस्ट देता है, और ये जो फ्यूल है ये बना होता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये प्रोपेलेंट है एक हिसाब से फ्यूल, जो कि इंजन को बहुत अच्छा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हेल्थ सेक्टर के बारे में, जिसमें वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस समिट की बात की गई है, क्योंकि ये क्यों की गई है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया है। अब टीबी के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो बेलीसियस मायो
माइकोबैक्टीरियम से फैलता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपको जानना जरूरी है। कई बार बैक्टीरिया और वायरस में भी कन्फ्यूज कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। अब ये सबसे ज़्यादा आपके लंग को अफेक्ट करता है। और दूसरी बात क्या है कि इसके लिए एक ही वैक्सीन बनी हुई है, BCG, और इसके लिए ये जो है मेडिसन्स हैं, जैसे कि इसको बेडाक्विलाइन और ये डेलामेनाइड, ये दो वैक्सीन हैं जो इसके लिए यूज की जाती है, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस TB के लिए यूज की जाती हैं। अब यहाँ पे कई बातें की गई कि TB फ्री पंचायत बनाना है हमें, ठीक है। पंचायत में मतलब हमें इस तरीके से लगना है, लोगों को सही रखना है कि उन्हें TB हो ही नहीं। TB की जो शॉर्ट TB होती है उसको हमें प्रिवेंट करना है, मतलब कुछ कुछ जो इनिशियल स्टेज में है उसको हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। फैमिली सेंट्रिक बनाना है। फैमिली सेंट्रिक कैसे बनाएंगे कि हमारे पास जो इंटरनेट का यूज़ करके हम वीडियो एनिमेशन से उनको बताएंगे कि कैसे हमें TB से प्रोटेक्ट रहना है और कैसे हमें इससे लड़ना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है DNA वैक्सीन से। इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो देखिए, DNA वैक्सीन जो है अभी पहले टाइम फर्स्ट बनाई गई थी ZY COVID, ठीक है, जो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज की जा सकती थी। और अब ये DNA वैक्सीन बनती कैसे है, तो देखिए यहाँ से समझिए। सबसे पहले हम एक प्लाज्मा लेते हैं। प्लाज्मा में जो भी हमारा जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका प्रोटीन लेकर के इसमें प्लाज्मा में एंटर करते हैं, तो ये पूरा हमारा एक सेट बन जाता है। और इस सेट को हम आराम से वैक्सीन में यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी ये वैक्सीन थोड़ी सेफ़ रहती है, जबकि एक दूसरी वैक्सीन होती है जिसको हम RNA वैक्सीन बोलते हैं। तो RNA वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम जो वायरस है उसकी एक कॉपी लेकर के उसको यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जब इसकी हम कॉपी लेते हैं तो आपको चांसेस होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोरोना की RNA वैक्सीन आपने ली, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोरोना हो जाएगा। लेकिन DNA में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और साथ ही साथ क्या है, ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि स्टेबिलिटी और सेफ्टी तो करती ही है, साथ में ये बूस्ट भी करती है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बढ़ा देती है। और ये आपके एक हिसाब से जेनोम में इसको इंटर करा देते हैं कि आपको इन फ्यूचर कभी भी इस तरीके की वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके इम्यून सिस्टम में ऑलरेडी जो ये जीन है वो आ जाएंगे, और ये जब भी कभी इस तरीके का वायरस इन फ्यूचर आपके बॉडी में आएगा, तो ये जो जेनोम क्रिएट हो गया है ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और इस वायरस को हरा देगा, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में इतना ही, फिर बाकी के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।